बाहर की धूल मिट्टी और सांस से जो भी डैमेज होता है, डायरेक्ट आपकी स्किन को गहरा इफेक्ट करता है, जिसके वजह से आपकी स्किन बहुत ही डल हो जाता है। आपकी स्किन में एक्ने डार्क स्पॉट हो जाते हैं, जिसके वजह से आप बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्या करें कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिले। तो मैं आपके साथ ऐसा ही कुछ शेयर करने वाली हूँ। इसे इस्तेमाल करने के बाद आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। इसका रिजल्ट देखने के बाद आपकी स्किन में इतना चमक आएगा, आपके डार्क स्पॉट एक्ने चले जाएंगे। आपको बस इस रेमेडी को एक हफ्ता रेगुलर इस्तेमाल करना है। एक हफ्ता इस्तेमाल करने के बाद जब आपको लगे कि हाँ ये तो सच में रिजल्ट दे रहा है, तो आप इसे कंटिन्यू करिए, क्योंकि मुझे पता है इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे और आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ कस्तूरी का हल्दी, फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 चम्मच आलू का रस, नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ लेमन जूस। देखिए मैं आपको बता देती हूँ ये कोई भी हार्म नहीं है आपकी स्किन के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे और भी चीजें इस्तेमाल किया है। तो अगर आपको लग रहा है कि लेमन जूस आपकी स्किन को इफेक्ट करेगा, तो मैं आपको बता देती हूँ मार्केट में जो भी विटामिन सी सीरम आता है लेमन से ही बनाया जाता है। जो सीरम आप इस्तेमाल करते हैं अपनी स्किन के लिए, स्किन को ब्राइटन करने के लिए, पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए, तो मैं भी वही विटामिन सी यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप चिंता मत करिए, कोई भी हार्म नहीं होगा। हाँ, अगर आपका स्किन सेंसिटिव है तो आप पहले टेस्ट कर लीजिए, चेहरे के किसी भी कोने में लगाकर देख लीजिए, अगर आपको सूट करे तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सेंसिटिव जो स्किन होता है इनके लिए ज्यादातर चीजें ही सूट नहीं करता। इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ पहले टेस्ट कर लीजिए, बाकी आप इसे आराम से इस्तेमाल करिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लेमन जूस के साथ और भी चीजें हैं तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा आपकी स्किन में, उल्टा फायदा ही मिलेगा। अभी इस रेमेडी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मैं यहाँ पे 2 चम्मच कर्ड ले रही हूँ, ये आपको यहाँ पे मिलाना ही होगा, ये आपकी स्किन को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएगा। अगर आपको किसी फेस्टिवल में या फिर किसी फंक्शन में जाना है, तो 1 हफ्ता या फिर 10 दिन पहले आप इस रेमेडी को रेगुलर इस्तेमाल करके देखिए, आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे अपनी स्किन को लेकर, और आप सोचेंगे पहले क्यों नहीं पता था इस रेमेडी के बारे में। तो अभी मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 चम्मच गेहूं का आटा। सारी चीजों को अच्छे से मिला लेने के बाद आपका नेचुरल ब्लीच बिल्कुल तैयार है। इसे इस्तेमाल करके देखिए, इसे अपने फेस पर 20 मिनट लगा रहने दें। आपको रेगुलर 1 हफ्ता इस्तेमाल करना है। जब आपको लगे कि हाँ रिजल्ट तो मिल रहा है, तो आप इसे कंटिन्यू करिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक क्लींजर तैयार करना है अपने फेस को धोने के लिए। आपको यहाँ पे लेना है थोड़ा सा रॉ मिल्क और साथ में थोड़ा सा रोज वाटर, दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसी से अपने फेस को क्लीन करिए, और उसके बाद प्लेन वाटर से अपने फेस को धो लीजिए। इसे पहले रेगुलर 1 हफ्ता या फिर 10 दिन तक इस्तेमाल करना है, फिर जब आपको रिजल्ट मिल जाएगा तो आप इसे हफ्ते में 2 बार या फिर 3 बार इस्तेमाल करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसे इस्तेमाल करने के बाद सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर का अप्लाई जरूर करना है। तो मैं आशा करती हूँ आपके लिए रेमेडी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और इस तरह के जेन्युइन रेमेडी के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।